हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली कुछ इम्पोर्टेंट नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक इजी टॉपिक है और इसमें से हर बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए सभी ने मेरे साथ में सभी नंबर सीरीज को सोल्व भी करना है। कुछ इम्पोर्टेंट नंबर सीरीज ही डिस्कस करेंगे जो लॉजिक को कॉमनली एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं लॉजिक्स पे बेस्ड कुछ नंबर सीरीज हम डिस्कस करेंगे। तो सभी ने क्लास के एंड में मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना है कि कितनी नंबर सीरीज आप लोगों की करेक्ट थी। ओके, तो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यस, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर ए क्रैश कोर्स, दे कैन ज्वाइन द क्रैश कोर्स ऑफ अभिपीडिया। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड द एस्पिरेंट्स हु आर लुकिंग फॉर ए टेस्ट सीरीज, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेस्ट सीरीज, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टेस्ट सीरीज तो बेटा मस्ट है, बिकॉज टेस्ट सीरीज से हमें पता चलता है कि कितनी हमारी प्रिपरेशन है किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके। तो टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, जिनको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपके पास एक नंबर सीरीज गिवन है। अब उसके अंदर क्या है, 200, 193, 179, 158 क्वेश्चन मार्क एंड 95। अब देखिए, जब भी इस तरह की नंबर सीरीज एग्जाम के अंदर आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो लॉजिक आता है कि यहाँ पे नंबर्स हमारे कैसे हैं, नियर बाई नंबर हैं, दूर दूर नंबर है, कहीं ना कहीं हमें मल्टीपल के नियर बाई लग रहे हैं, या फिर कैसे नंबर्स हैं। तो सबसे पहला काम होता है नंबर सीरीज को देख के उस नंबर सीरीज को एनालाइज करना कि यहाँ पे एक नंबर से दूसरे नंबर की तरफ मूव करने के लिए क्या किया जा सकता है। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नियर बाई नंबर्स है ना, तो सबसे पहला लॉजिक जो माइंड में आता है वो कौन सा है, डिफरेंस का। सभी नोट डाउन कर लेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिफरेंस चेक करोगे आप लोग। जैसे यहाँ पे है, क्या है आपके पास, 200, 193, देन 179, 158, देन क्वेश्चन मार्क एंड 95। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेक द डिफरेंस। अब देखो ये डिक्रीजिंग सीरीज है, नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है हर बार। तो क्या हो रहा है, देखो कितना कम हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। उसके बाद अब देखो यहाँ से अगेन नंबर कम हो रहा है, 13 से 9 गया 4, 14 का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 21। अब यहाँ से अब हमने आइडिया लगाना है कि क्या चल रहा है। अब यहाँ पे एक तरह से जब आप डिफरेंस निकालते हो तो उस केस में एक नई सीरीज बन जाती है आपके पास में, एक नई इजी सीरीज आपके सामने आ जाती है। तो यहाँ पे भी हमें एक दूसरी सीरीज दिखाई दे रही है, क्या कि 7 का मल्टीपल है, 7, 7 2 जो 14, 7 3 जो 21, 7 4 जो 28। मीन्स इस तरह से अपनी सीरीज जानी चाहिए। ओके, अब इसी लॉजिक को हम फर्दर अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब हम इसको माइनस कर रहे हैं तो अपने पास में वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 130 आ रहा है, कितना आ रहा है, 130 आ रहा है। ओके, अब यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया। वैसे तो देखो अपने ऑप्शन में अगर 130 है देन दिस इज आंसर। ओके, बट अगर उसके बाद में कोई नंबर गिवन है, ये मैं क्यों बता रही हूँ कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन के बाद क्या है, 95 है। जब क्वेश्चन मार्क के बाद में भी कोई नंबर गिवन है, इन दैट केस हम सेम लॉजिक के लिए उसको चेक करेंगे कि जो मेरा आंसर आया है, एक तरह से क्रॉस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे, अब जैसे ये 130 से हमने अगर माइनस किया 35, तो क्या आ रहा है, 95 आ रहा है, और यहाँ पे भी आपके पास 95 दिया हुआ है, दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ से हमारा एक्यूरेसी फाइंड आउट हो जाती है कि अपना क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपके पास में आंसर क्या आ गया, डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट सीरीज है, देखिए क्या है सीरीज, 343, 81, then 115, 143। अभी मैंने बताया, सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास में नंबर्स नियर बाई हैं, ठीक है, या कोई स्क्वायर क्यूब के नियर बाई नंबर है। तो सबसे पहला तो दिमाग में डिफरेंस ही आता है, सबसे पहले क्या आता है, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस चेक करते हैं, 115 and 143। अब यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस है। अब ये देखो, पहले क्या था, डिक्रीजिंग सीरीज थी, हर बार माइनस हो रहा था, इस बात का भी ध्यान रखना है आप लोगों ने
कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि प्लस माइनस में ही हम गलत करके आ जाते हैं, इजी सीरीज आती है एग्जाम के अंदर, बट वो प्लस माइनस में कंफ्यूजन की वजह से रॉन्ग हो जाता है। तो ध्यान रखना कि इंक्रीजिंग सीरीज है, डिक्रीजिंग सीरीज है, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे साथ में प्लस माइनस मेंशन कर लिया करो जब आप डिफरेंस निकालते हो। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एड हो रहा है 40, क्लियर। अब उसके बाद में देखो क्या हो रहा है, अगेन इंक्रीजिंग है, कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी कितने का डिफरेंस आ गया, 11 से 3 गया बेटा 8, और 7 से ही हो गया 38, अगेन प्लस हो रहा है। उसके बाद अगेन इंक्रीज हुआ, कितना हुआ, 5 से 1 गया 4, और 11 से 8 गया बेटा 3, क्लियर। अब उसके बाद में नेक्स्ट फिर देखो, फिर इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 13 से 5 गया 8, और ये अपने पास में 3 से 2। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप डिफरेंस निकालते हो तो एक तरह से आपके पास में नई सीरीज आ जाती है। तो यहाँ पे भी एक नई सीरीज दिखाई दे रही है आप लोगों को, है ना। तो अब इस सीरीज के अंदर अगर मैं देखूं तो क्या हो रहा है, यहां से देखिए अगेन डिफरेंस अगर हम चेक करते हैं तो क्या हो रहा है, माइनस टू देन माइनस फोर देन माइनस सिक्स, हर बार दो दो के डिफरेंस की सीरीज आ गई आपके पास। आगे क्या आएगा, माइनस एट माइनस टेन। तो अगर मैं यहां से करती हूँ माइनस एट, तो माइनस एट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 20। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये माइनस की चल रही थी तो हमने माइनस किया, बट यहाँ पे तो सारे के सारे प्लस है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, प्लस करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करेंगे। हाँ जी क्लियर है सभी को, हाँ जी क्लियर, ओके। तो कितना आ गया हमारे पास में, हमने 20 को प्लस किया, 20 जब हम इसके अंदर प्लस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई बेटा, जब आप इसके अंदर 20 ऐड करते हो तो वैल्यू क्या आ गई, 163। ओके, सो योर आंसर विल बी 163। बताइए किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर, हाँ जी किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, क्लियर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है क्वेश्चन आपके पास, 1625 73 153। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर सीरीज को, जैसे हमने देखा कि हाँ जी एक छोटा सा नंबर था 1 और 1 से 153 की तक चले गए हम, तो यहाँ पे हमारे माइंड में आता है कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक हो सकता है। पहले आपका एक माइंड एक लॉजिक तो क्लियर हो गया सभी को, क्या करते हैं हम डिफरेंस चेक करते हैं, ओके। पहला पॉइंट है डिफरेंस। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंस देखते हो तो डिफरेंस से नहीं बन रहा है ना, डिफरेंस अगर आप देखते हो, ओके तो देखो यहाँ पे बेटा 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 19 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपके पास में ये हो गया 6 से 5 11 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास में कोई सीरीज नहीं बन रही है, फाइनली आपके पास में फिर हम क्या चेक कर रहे हैं कि मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक हो सकता है। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर हम चेक कर लेते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में भी देखो आप मल्टीप्लीकेशन का कैसे चेक करोगे कि देखो कितने मल्टीपल के नियर बाई जा रहा है नंबर, सबसे पहले तो ये देखो नियर बाई कितने के जा रहा है। वैसे तो अभी मैं डायरेक्टली भी बता सकती हूँ कि हाँ जी ठीक है, बट नहीं, पहले मेरा मेन जो लॉजिक, मेरा मेन फोकस ये है कि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए, ठीक है ना, कि कैसे लॉजिक बिल्ड होना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये नंबर 5 के नियर बाई है, आप कहोगे कि चलो मैडम 6 क्यों नहीं गया, चलो 6 ले लेते, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये नंबर 6 चौके 24, ये तो 4 के नियर बाई है। अगर हम ये देखें 25 75, दैट मीन्स कि तो 3 के नियर बाई है, तो हम क्या सोच के चलेंगे कि इसको 5 के नियर बाई करके चलते हैं। नियर बाई बोल रही हूँ मैं साथ में, नियर बाई मीन्स कि कुछ ना कुछ प्लस माइनस भी हो रहा है साथ में, ओके। अब हमने यहाँ पे देखा ये तो 2 के नियर बाई है, दैट मीन्स कि अगला 1 के नियर बाई होना चाहिए। अब हम साथ में चेक करेंगे कि साथ में कुछ प्लस माइनस हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 5 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 1 5 5 5 + 1 कितना आ गया बेटा 6 6 4 24 24 + 1 25 25 3 75 75 + 1 76 76 into 2 152 152 + 1 153। अगेन क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 153 into 1 153 प्लस क्या करोगे 1 करोगे, कितना आ गया 154, सॉरी आंसर विल बी 154। लॉजिक क्लियर हुआ, देखो एक बार दोबारा से बता देती हूँ अगर कोई डाउट आ रहा है आप लोगों को, तो देखिए क्या कह रहे हैं हम, यहाँ पे था 1 1 into 5 + 1 कितना बन गया 6 6 into 4
प्लस वन कितना हो गया 25. अब यहाँ पे हमने देखा 5 4, उसके बाद क्या आ रहा है 3. 25 इंटू 3 75, 75 प्लस 1 76. ओके 76 इंटू 2 कितना हो गया 152. 152 प्लस 1 कितना हो गया 153. तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 ही ऐड करोगे. 153 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया 154. ओके क्लियर है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. 50 54 45 61 एंड 36. अब देखो यहां पे नंबर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है. दैट मीन्स बट कि हमारे माइंड में ये है कि सबसे पहले तो हमने ये पता करना है कि कितना कम ज्यादा हो रहा है, कितना कम ज्यादा हो रहा है. सबसे पहले तो वही देखोगे आप. तो यहां पे देखो 50 54 45 61 36 एंड देन क्वेश्चन मार्क. अब यहाँ पे हमने देखा क्या हो रहा है, प्लस 4, 50 प्लस 4 54, 54 माइनस 9 45, 45 प्लस, अब यहाँ पे कितना हो रहा है आपके पास में 16. क्लियर, कितना बन गया 61. 61 माइनस 25 कितना बना 36. क्लियर. अब देखो क्या पता चला भाई, प्लस माइनस और नंबर को देख के कुछ आ रहा माइंड में 4 9 16 25. दीज आर स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, दैट मींस कि स्क्वायर हो रहा है. ओके तो यहाँ पे स्क्वायर किसका है, 2 स्क्वायर देन 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर देन क्या आएगा आपके पास 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर दैट मींस कि 36. ओके अब हमने क्या चेक करना है कि प्लस करूं मैं या फिर माइनस करूं, प्लस करूं या माइनस करूं. यहाँ पे क्या था, प्लस माइनस फिर क्या आएगा, प्लस आएगा ऑब्वियसली. तो यहाँ पे आप इसको प्लस कर दोगे, जब प्लस करोगे तो 36 प्लस 36 कितना हो गया 72. सो योर आंसर विल बी 72. क्लियर, कितना आ गया हमारे पास में 72 विल बी द करेक्ट आंसर. किसी को कोई डाउट, क्लियर है सभी को? अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे. हाँ जी, अगर कोई भी आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे. ओके नेक्स्ट देखिए 945 180 540 question mark and 1080. अब हम देखें छोटा सा नंबर है कि 9 से कहां तक पहुंच गए, 1080 तक पहुंच गए. दैट मींस कि हमारे माइंड में क्या आएगा, कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है. कैसे पता चलेगा कि डिफरेंस जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन जा रही है. आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आ रही है. हाँ जी, सभी को आ रही है थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी. ओके तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, हम मल्टीप्लीकेशन माइंड में लेके आएंगे कि हाँ जी कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है. देखो 9 × 5 कितना आ गया 45. अब नेक्स्ट टर्म है 45 से 180 तक कैसे गया, 45 × 4 45 × 2 90 90 × 2 180. ठीक है, कितना हो गया हमारे पास में 180 एंड देन 180 × 3 18 × 3 54. ओके देन 540 × 2 कितना हो गया 1080. अब हमें लगेगा कि ये तो 1080 आ गया पहले से ही, पर 1080 तो नेक्स्ट टर्म है. कोई नहीं, हम नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे कि कहीं हमारा रॉन्ग तो नहीं है. तो आप इसको चेक करो भाई, 1080 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ही आएगा, कितना आ गया 1080. दैट मींस कि नेक्स्ट टर्म भी हमारी क्या है, करेक्ट है. तो अपना आंसर क्या हो गया, करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है. क्लियर, ओके. सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्या है आपके पास में, 9 11 16 26 question mark and 69. आ रहा कुछ माइंड में, क्या लॉजिक हो सकता है, हिंट दूं, डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस निकालिए. शाबाश, डिफरेंस. आई होप आंसर आ गया होगा कुछ स्टूडेंट्स का. हाँ जी देखिए 9 11 देन 16 26 क्वेश्चन मार्क एंड 69. द डिफरेंस इज ऑफ 2 देन. हाँ जी क्या हो रहा है, 2 प्लस माइनस. मैं बार बार कह रही हूँ इस चीज को हमेशा साथ में रखो कि प्लस है या फिर माइनस है. ओके तो यहाँ पे देखिए बेटा क्या है, प्लस देन प्लस कितना हो गया आपके पास 11 + 5 = 16 16 + 10 = 26. ओके अब अगर हम देखें आगे तो आगे अभी हमारे पास में थोड़ी सी कन्फ्यूजन बच गई. क्यों, क्योंकि दो हमारे पास में नंबर, एक मिसिंग है और एक ऑलरेडी गिवन. तो फर्दर चेक कर लेते हैं दूसरी सीरीज में. दूसरी सीरीज में देखो क्या आ रहा है,
3 का डिफरेंस है, देन आपके पास 5 का डिफरेंस है, फिर क्या होगा 7 का डिफरेंस होगा ऑब्वियसली, 7 और 9 इस तरह से डिफरेंस जाना चाहिए, इस तरह से ही जाएगा। तो उस केस में ये देखो ये कितना हो गया हमारे पास 17, और अगर इसके अंदर हम 9 ऐड करते हैं तो ये कितना हो गया अपने पास में 26। क्लियर? अब इसमें 17 ऐड करो, देखो कितना बन रहा है, ये हो गया बेटा 43 आ गया, 43 आंसर आ गया। अब हमने क्या देखना है कि भी 43 तो आंसर आ गया, नेक्स्ट टर्म के लिए भी तो चेक करोगे, क्रॉस चेक भी तो करना है कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं है। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, 26 ऐड करोगे। अब देखो 43 प्लस 26 कितना बन गया 69, दैट मीन्स कि बिल्कुल करेक्ट है। क्या आ गया आपके पास में 43 विल बी द करेक्ट आंसर, 43 विल बी द करेक्ट आंसर, डन। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट करो शाबाश। हाँ जी सभी करेंगे शाबाश। क्या है 3, 4, 10 33, 130, 6। हिंट दूं, कहीं ना कहीं कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, करो करो ट्राई, सभी ट्राई करेंगे शाबाश। हाँ जी सभी ट्राई करेंगे बेटा। आ गया आंसर सभी का, आई होप आ जाना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 + 1 = 4, × 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 × 3 मींस हो क्या रहा है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे उसी को ऐड कर रहे हैं। ओके देखो 3 × 1 + 1 कितना हो गया 4, 4 × 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 × 3 = 30, 30 + 3 = 33, फिर क्या करोगे 4 से 33 × 4 कितना आ गया 132 + 4 = 136। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, 4 तक आ गया, अब क्या करेंगे 5 पे पहुंचेंगे, 136 × 5 और प्लस क्या करोगे, प्लस भी क्या करेंगे हम 5 करेंगे, तो ये कितना हो गया 6, 85। हाँ जी 685 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी बताइए किसी को कोई भी डाउट आ रहा हो इसमें, क्लियर है? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 21, 24, 32, 45 एंड 63। चेक द डिफरेंस फर्स्ट, सबसे पहले डिफरेंस चेक करेंगे सभी क्या आ रहा है। देखिए 21, 24, 32, 45, 63 एंड क्वेश्चन मार्क, क्या करेंगे बेटा डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस चेक करिए कितना है, प्लस 3, ठीक है, क्लियर। देन द डिफरेंस इज ऑफ, ये हो गया आपके पास 13, यस। नेक्स्ट डिफरेंस है 13 से 5 = 8, 18। एक नई सीरीज बन गई, अब इस नई सीरीज को आप चेक करोगे कि देन व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज 5, 5, 5। नेक्स्ट टर्म के लिए फिर 5, दैट मींस 23। अब 23 के अंदर आप ऐड करोगे कितना आ गया, 3 × 3 = 6, 8, 86। सो आंसर विल बी ऑप्शन बी, 86 विल बी द करेक्ट आंसर, 86 विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है करिए। अब यहाँ पे देखो दो टर्म सेम आ रही है, दो टर्म सेम आ रही है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे ये इसका डबल हो रहा है, यहाँ पे इसका हाफ हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि हमारे पास सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका हाफ कर रहे हैं, दैट मीन्स कि 0.5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ गया आपके पास 3, फिर उसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आ गया देन 3, तभी सेम आया ना। पहली टर्म क्या थी 6 का हाफ किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, अब इस 3 को क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई किया 6, अब इस 6 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, वो 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है 24। क्या लॉजिक लगा, डबल हो रहा है हर बार और मल्टीप्लाई कर रहा है, डबल करके मल्टीप्लाई कर रहा है, हाफ का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल 8, 8, दैट मींस कि 24 × 8 कितना आ गया ये आपके पास में, दिस विल बी 192। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए 192।
ऑप्शन ए 192 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई डाउट? क्लियर है सभी को? ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की बेटा इंक्वायरी आ रही है बार बार कि मैम क्रैश कोर्स ज्वाइन करें या फिर कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करें। दो कोर्सेज है, कंप्लीट है बेटा, एक क्रैश है। ठीक है, क्रैश कोर्स जो अभी 5 जून को एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स बेटर रहेगा, वो क्रैश कोर्स आप ज्वाइन करो, वो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। बेनिफिशियल तो दोनों ही है, बट टाइम की शॉर्टेज है। ठीक है, क्रैश कोर्स के अंदर हमने वो सिलेबस कवर किया है जिसके अंदर से आपके एग्जाम के अंदर हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक आप क्वालिफाई कर सकते हो, आपका 100-110 तक का अटेम्प्ट आराम से जाएगा। क्लियर? दूसरा जो है वो है कंप्लीट कोर्स। कंप्लीट कोर्स उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया जो अभी 23 के अंदर एग्जाम देने वाले हैं, 23 के अंदर जिन्होंने एग्जाम देना है तो उनके लिए कंप्लीट कोर्स ज्यादा बेटर रहेगा कि अभी आपको के पास टाइम है, आप आराम से उसको कर सकते हो। ओके, दोनों का ही लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, आंसर आ गया? हाँ जी, जिन जिन का भी आंसर क्या बनेगा, यस डिफरेंस ही है। हाँ जी, जिन जिन का भी आंसर डी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। यस, 52 विल बी द करेक्ट आंसर। करके बताऊं? ओके, चेक करते हैं, देखिए क्या 7, 10 देन 16, 28 क्वेश्चन मार्क एंड 100। नाउ चेक द डिफरेंस, दिस इज 3 देन 6, उसके बाद अपने पास डिफरेंस आ गया बेटा 12। तो अभी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डबल हो रहा है, 3 into 2, फिर अब उसके बाद फिर 2 हो रहा है। क्लियर? हर बार क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो क्या बनेगा, 24। फिर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो क्या बनेगा, 48। ओके, और हर बार क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। जब आप ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आपके पास में टर्म क्या बन गया, 8 और 4 12 और 1 5 52। नेक्स्ट टर्म के लिए चेक कर लीजिए, नेक्स्ट टर्म अगर इसके अंदर हम 48 ऐड करते कितना बन रहा है, 100 बन रहा है। दैट मींस कि अपना आंसर क्या आ गया, 52 विल बी द करेक्ट आंसर। 52 विल बी द करेक्ट आंसर। जिनका भी 52 आंसर है बिल्कुल करेक्ट है, जिन जिनका भी 52 आंसर है उनका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, 40, 20, 20, 30, 60। अब देखो इसी तरह का एक क्वेश्चन अभी कराया मैंने आप लोगों को, करेंगे थोड़ा सा कोशिश। ऐसा सा ही क्वेश्चन था, क्या था, दो टर्म्स तो हमारे क्या हो रही है, सेम है। दैट मींस कि हमें सीधा सा पता चल गया भाई, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तभी सेम टर्म आएगी, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, 1 से मल्टीप्लाई होएगा तभी आपके पास में सेम टर्म बनेगी, है ना। दैट मींस कि हमें लॉजिक यहां से क्लियर हो गया कि मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हमने क्या चेक करना है, कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखिए, 40 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो कितना बन गया आपके पास, 20, और 20 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन 20। अब नेक्स्ट टर्म के लिए हमने चेक करना है कि अब क्या करूँ। अब लॉजिक जो 0.5 वाला लॉजिक चलता है ना, उसमें क्या होता है, 0.51, 1.52, 2.53, 3.5, इस तरह से, या फिर क्या होगा मल्टीपल 0.51248 16, इस तरह से। ओके, तो अब यहाँ से हमें आइडिया लगाना है कि हमारे पास में यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, अगली टर्म बेटा 30 है, तो 20 से 30 2 से मल्टीप्लाई करने से तो आएगा नहीं। अगर हाँ, इसको मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ, 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ, तब जरूर आ जाएगा। दैट मीन्स कि मुझे क्या पता चल गया, हाफ हाफ ऐड हो रहा है, डबल नहीं हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म में लिखो 30 into 2, कितना बन गया आपके पास, 60। नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे, 60 into 2.5, दैट मीन्स कि कितना बन गया आपके पास, 150। सो योर आंसर विल बी 150। हाँ जी, 150 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 32, 42, 57 and 77। अगेन यू विल चेक द डिफरेंस, डिफरेंस चेक करिए कितने कितने का डिफरेंस बन रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे क्या बन रहा है, 27, 32, 42, 57 then 77। ओके, अब 27 में क्या ऐड करूँ मैं, 32 आएगा प्लस 5 देन प्लस 10। ओके, उसके बाद आप क्या देख रहे हो, प्लस 15 देन प्लस
20। नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? नेक्स्ट टर्म में फास्ट 5 का ही तो डिफरेंस है, हर बार नेक्स्ट टर्म में 5 ऐड कर दें, कितना बन गया 25। एंड व्हेन वी यू विल ऐड 25 कितना बन गया 7 5 12 9 और 1 10। ओके सो कितना बन गया बेटा 102। 102 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी 102 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सभी। क्या है आपके पास? 15 31 63 127 क्वेश्चन मार्क एंड 15 11 है सॉरी। देखो सारे नंबर डबल के नियर बाई है, हिंट दे दिया मैंने आप लोगों को, सारे नंबर डबल के नियर बाई है और साथ में क्या हो रहा है? कुछ प्लस हो रहा है। अब क्या प्लस हो रहा है? डबल के नियर बाई है इंटू 2 प्लस 1 31 इंटू 2 कितना हो गया 62 62 प्लस 1 63 इंटू 2 कितना हो गया 126 126 प्लस 1 127। एंड देन अगेन क्या करेंगे फिर 127 इंटू 2 कितना हो गया 254 254 प्लस 1 कितना हो गया 255। क्लियर? अब नेक्स्ट के लिए क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस चेक करें, सेम करके देखना हमने। क्या करोगे 255 इंटू 2 कितना हो गया 510 510 में एक और ऐड कर दिया हमने 511 और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है इतना ही, दैट मीन्स बिल्कुल करेक्ट है। ओके सो योर आंसर विल बी व्हाट 255 विल बी द करेक्ट आंसर, 255 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए 4 5 13 40 104 हाँ जी देखिए। अब यहाँ पे देखिए अपने पास में क्या वैल्यू 4 5 13 40 104 कितने का डिफरेंस 1 का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस 8 का डिफरेंस, इंक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग सीरीज है। नेक्स्ट कितने का डिफरेंस 27 का डिफरेंस, नेक्स्ट कितने का डिफरेंस 64 का, फिर नेक्स्ट कितने का बनेगा? अब इन नंबर को देख के कुछ आ रहा है माइंड में 1 8 27 64। हाँ जी क्यूब है, क्या है? क्यूब है बेटा, सारे के सारे किनका क्यूब है? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब दैट मीन्स कितना हो गया 125। डन, कितना हो गया 125 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 9 2 229। सो योर आंसर विल बी 229। तो अब देखिए कोई मुश्किल तो नहीं है नंबर सीरीज, नंबर सीरीज पे अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आई होप सभी कर लेंगे, सभी कर लेंगे अगर नंबर सीरीज पे कोई क्वेश्चन आएगा। यही सिंपल सिंपल से लॉजिक होते हैं, क्या या तो आपके पास डिफरेंस का लॉजिक होगा या कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब का लॉजिक आ जाएगा या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का लॉजिक होगा। ओके ज्यादा से ज्यादा प्राइम नंबर का लॉजिक आ जाएगा। ओके तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है 7 14 168 840। हाँ जी काफी इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने क्या बताया, क्या लॉजिक हो सकता है आपके पास में? प्लस माइनस दैट मीन्स कि डिफरेंस, डिफरेंस का लॉजिक हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसका लॉजिक हो सकता है, स्क्वायर क्यूब ये लॉजिक हो जाएगा, डिफरेंस के अंदर कहीं ना कहीं प्राइम आ गया, इवन ओड आ गया, यही सिंपल लॉजिक होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 7 मल्टीप्लाई बाय 2 14 14 मल्टीप्लाई बाय 3 42 42 मल्टीप्लाई बाई 4 168 मल्टीप्लाई बाई 5 840 तो नेक्स्ट क्या हो गया मल्टीप्लाई बाई 6 तो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपके पास में 8 5 40 8 48 कितना आ गया बेटा 5040।
क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे। आई होप सभी को क्लियर है। नंबर सीरीज पे कोई क्वेश्चन अब हमारा नहीं रुकेगा, थोड़ी प्रैक्टिस जरूर है, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये कह मान के चलो कि हाँ 50-100 के अराउंड कुछ सीरीज के ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, आपका नंबर सीरीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।